नमस्कार, मैं हूं अमन आर्य पीयूष से। आज हम आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर, जहां बीडीएस डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स, इंटर्न्स, रिसर्च स्कॉलर्स सारे बैठे हैं एक हड़ताल पर। हड़ताल की वजह स्टाइपेंड का 2009 से केवल 9,000 का स्टाइपेंड। मैं डेंटल डिपार्टमेंट में बीडीएस का इंटर्न हूं। तो इस प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिए। सर, प्रोटेस्ट हमारा एक ही मुद्दे पे है कि बीडीएस के इंटर्न्स और एमडीएस के जो रेजिडेंट्स हैं उनका स्टाइपेंड इंक्रीज करने के लिए। कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। 2009 में भी 9,000 रुपये था, 2023 में भी 9,000 रुपये ही है। ये 13-14 साल से जो इतना गैप हो चुका है, अब तक आप लोगों का कोई इंक्रीज नहीं आया, तो इससे पहले किसी ने क्यों नहीं इसको लेके आवाज़ उठाई? इसके पहले भी बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों ने एक्टिविज्म दिखाया, लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो बहुत ही प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, तो हमारे टीचर्स हमें थोड़ा सा मतलब बच्चों के अंदर भी वो प्रोफेशनलिज्म के कारण हम लोग इतना ज़्यादा अपनी वॉइस नहीं रेज कर पा रहे थे। हमें रोड पर आना पड़ा क्योंकि हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो हमारा अधिकार है, हमारा एक दिन का वेज अगर हम देखें तो 9,000 और एक दिन का 300 रुपये, जो एक लेबरर से भी बहुत कम है। तो हमारा यही डिमांड है कि जो हमारा हक है वो हमें मिले। ओवरऑल जो आप कल से यहाँ पे जैसे बैठे हैं, तो अब तक कितना सपोर्ट आपको मिला यूनिवर्सिटी की ओर से, इंटरनल या एक्सटर्नल? यूनिवर्सिटी की ओर से ज़्यादा सपोर्ट अभी तो नहीं मिला। आज हमें कोई भी मिलने नहीं आया, सिर्फ फोन कॉल आए। कल आए थे हमारे प्रिंसिपल, आए थे डायरेक्टर जो है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और DSW आए थे। दो दिन पूरे हो गए हैं, हम डॉक्टर्स बैठे हैं प्रोटेस्ट पे, VC अभी तक नहीं आया है हमसे मिलने, ना उन्होंने किसी को भेजा कि हमारी डिमांड्स। हमें बैठना पड़े, हम यहीं बैठे हैं। और यूनिवर्सिटी की सपोर्ट की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी हमें कहती है कि हमारे साथ है। हम उनसे कोई भी क्वेश्चन करें कि हमें कब होएगा या हमें रिटर्न में कब मिलेगा कि हमारी इंप्लीमेंट होगी है जो स्टाइपेंड है हमारी, तो वही कहते हैं कि प्रोटेस्ट में बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। हमने लेटर दिया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट 10 साल से चल रहे कि उनको लेटर लिख के दे रहे हैं। पर 9,000 से स्टाइपेंड अगर हम फीस में भी कंपैरिजन करें तब भी अराउंड 25,000 के अराउंड तो बनता ही है, पर वो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी के पास उस टाइम 60,000 फीस में, और पेशेंट के चार्जेस भी ऑलमोस्ट हमारे 2-3 times हो गए हैं, तो अगर फंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, फीस भी ज़्यादा हो गई है, पेशेंट से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो फंड्स हमारे लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? स्टूडेंट्स की आवाज़ है, UGs की, इंटर्न्स की, और जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनकी आवाज़ है। दिस इज़ अबाउट इक्वालिटी। हम यहाँ इक्वालिटी के साथ स्टैंड करना चाहते हैं, बिकॉज हम भी डॉक्टर्स हैं, वी ऑल्सो डिजर्व द रिस्पेक्ट, एंड इसीलिए हमको यहाँ पे, हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं 2 दिन, आज हमारा सेकेंड डे है, बट हमें कोई जवाब नहीं मिला। और हम यहाँ फैकल्टी की ओर से, आपके या जो आपके डिपार्टमेंट के हेड होंगे उनकी ओर से कोई इसमें लेके कोई प्रतिक्रिया नहीं? हमें वो आश्वासन देते रहते हैं कि हम करवाएंगे, हम अपनी एंड से कोशिश कर रहे हैं। हमें कल भी उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन कहाँ है कुछ, आज हमसे कोई मिलने नहीं आया। हम वेट कर रहे हैं, यहाँ बच्चे बैठे हैं, यहाँ सब इयर्स के बच्चे, एवरीबडी सिटिंग है, बट हमें कुछ, हमें कोई वहाँ से कुछ नहीं आया। हम यहाँ पे खड़े, हम यहाँ डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे जब तक हमारी स्टाइल। आप लोगों को क्या एक वैलिड सॉल्यूशन आप लेगा, क्या चीज़ है जो आप लोगों को मोटिवेट करेगी इसको एंड करने? हमें यही, हमारी स्टाइपेंड बढ़ जाएगी, हमें हमारी रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिल जाएगी, तभी हम यहाँ से हटेंगे। एक नोटिस निकाला जाए जहाँ पे हमें हमारा अमाउंट, द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, द सेशन फ्रॉम विच इट इज स्टार्टिंग, ये सेशन होना चाहिए, इस बैच से होना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी मिले। एंड वो तभी पॉसिबल है जब जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज UT के साथ मीटिंग हेल्प करेगी। अगर हेल्प कर रही है तो हमें उसके बारे में बताया जाए, है ना, जल्दी से जल्दी उन्हें अप्रोच करें, क्योंकि वो तभी पॉसिबल है अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होए। एग्जैक्टली, एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा है उनके कोऑर्डिनेशन के ऊपर। तो ये सुना आपने, यहाँ पर जो इनको लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को, उनके व्यूज हम जानते हैं। जो यहाँ पे बैठे हैं प्रोटेस्टर्स कल से, उनकी इस बारे में क्या रहा है? हम कल से बैठे हैं, आज हमारा डे 2 है। हम तो अपनी तरफ से नारे लगा रहे हैं इनको, हम बट हम कोई आ नहीं रहा है, हम ऐसे फील हो रहा है कि वी आर अनसीन। आप लोगों को इग्नोर किया जा रहा है? हाँ, किया जा रहा है। DC भी अभी तक आया नहीं, आई नहीं है, तो वी फील अनसीन। सर, जैसे कि हमारे स्ट्राइक को, प्रोटेस्ट को आज 2 दिन हो चुके हैं सर, लेकिन अथॉरिटी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। तो हमने ये तय किया कि कल से हम हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं, ये चेन हंगर स्ट्राइक पे हम संडे तक बैठ रहे हैं, और अगर अथॉरिटीज़ ने हमारे इशू को लेकर उसका सोल्यूशन नहीं किया तो मंडे से हम इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि अगर इस हड़ताल को सही ढंग से PU अथॉरिटी ने हैंडल नहीं किया तो ये भूख हड़ताल का रूप ले लेगी, जिसका अंजाम अथॉरिटीज़ को भुगतना होगा। धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।